The Tangsa tribe resides mostly in the Dihing Patkai region of the Changlang district of eastern Arunachal Pradesh. The community believes that they had migrated to their present homelands from Mongolia, Yunnan, and Myanmar many centuries back. The gorgeous Noa Dihing River cuts from east to west the pristine forest landscape between the Dapa Boom Range and the Patkai Range. New Yamchum village is located in the heart of the Patkai Hills in the Miao circle of the Changlang district. The Tangsas live in stilted houses made of bamboo, wood, and toco leaves. The Tangsa sub tribe me Longchang tribe hai is basti me aur is basti me char clan hai Taidong, Jongsam, Khomrang aur Taisam. Is basti me 65 ghar hai. Population logbook 380 hai. Usmein male female dono hai, barabar hai. From time immemorial, the Tangsas have been picking and processing local tea leaves to make their traditional bamboo tea blend. Pehle cha ko tul ke le aate hai bagan se, uske baad dekshi mein thoda samay ke liye boil karega. बॉईल करके उसको फिर निकलेगा वो एक जो बम्बू का वो बास्केट जैसे बनाते हैं ना उसमें रख के सुखाता है इसको उस पर सूख जाने के बाद में उसको फिर तोड़ मोड़ करके गुड़ा बना के उसको बम्बू में ढाल के उसको जो गुड़ा वाला जो चाय पत्ता उसको बम्बू में ढाल के आग में जला के उसको बॉयल करते हैं पानी उन्नी नहीं डालते हैं उसमें ऐसे ही बॉयल करते हैं उसके बाद थोड़ा वो बम्बू जलने से उसका अंडा से पकड़ते हैं जो 10 या 20 मिनट उसको आग में लगा के उसके बाद उसको खुनते हैं फिर फुंडी में वो तो सब नीचे चला जाएगा बम्बू के अंदर में फिर उसको ढालता है ढाल के पूरा फूल हो जाने के बाद फिर उसको आग में ढालेगा आग में ढाल के उसको भी 10-15 मिनट बाद में गर्म हो गया ना अभी तो बम्बू उसको फिर खुनता है उसमें खून खून के पूरा भर्ती तक थोड़ा 4-5 इंची का वो खाली रहेगा उसको लास्ट में वो छील के उसको पैकिंग करने के लिए थोड़ा सा रहता है दिस टी मेकिंग प्रोसेस हेल्प्स प्रिजर्व ड्राइड रोस्टेड टी फॉर मेनी इयर्स एट अ स्ट्रेच द तंगसा वुमेन वीव देयर ओन क्लोथ्स एवरी तंगसा हाउसहोल्ड हैज अ सेट ऑफ बैक स्ट्रैप लूम्स हम ये बना रहे हैं लड़का का निकला गले अलग किस्म किस्म का सूता यूज करते हैं 9 किस्म का वो
मैं अपना ड्रेस के बारे में बताना चाहूँगी। ये जो पीपा धोंग है अपना लैंग्वेज से, उसके बाद इसको वेस्ट कोट बोलते हैं, उसके बाद अंदर में लगाते हैं लॉन्ग, जैसे कि अभी शर्ट वाइट शर्ट है, उसके बाद रेड भी लगाते हैं, फिर भी जो अच्छा सबसे अच्छा दिखता हो उसको ही, मतलब जो वाइट में और सफ़ेद ब्लैक में अच्छा होता है, तो हम लोग यही लगाते हैं। और नीचे जो लगे हुए हैं ये गाले, इसको पमोक नहीं बोलते हैं, जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, और काफ़ी डिफरेंस कलर से भी बनते हैं, लेकिन जो अपना जो कल्चर के जो मेन ड्रेस होते हैं यही है। जो अपना ये जो लोकेट है, माला बोलते हैं इसको, लक्सेंग बोलते हैं, उसके बाद ये पैसे के जो कॉइन्स के बना हुआ है इसको गंतम बोलते हैं, उसके बाद ये सनबड है, ये इयर रिंग लगाते हैं जो अपना कल्चर के, उसके बाद फिर ऊपर में लगाते हैं हेयर बेल, हिंदी से तो फिर बेल ही बोलेंगे, अपना लैंग्वेज से खम्बुम बोलते हैं। The men have their own unique decorative headgear and like to wear different colors. The Tangsas have a distinctive cuisine involving elaborate cooking. One of the culinary specialties found is smoked pork. Sungor ka meat banaya tha wo stove se uska jal ke nimak aur dal ke bas मिला के उसके बाद पत्थर को रख देगा अंदर में, बीच में रख के दो या एक पत्थर जो गर्म करेगा उसको रख देगा, उसके बाद पूरा जमा करके बांध देगा अगुल के सामने में डाल देगा, अंदर का वो पत्थर ने पकाएगा और किनार का जो है उसको अगुल ने पकेगा, ऐसा है। उसके बाद सुंगर का मीट बांस चुंगा में बनाया था, वो हम लोग का तंगसा का जो हल्दी मसाला और अदरक जो भी हो उसको मिला के चुंगा में डाल दिया, उसके बाद मिला के चुंगा में डाल दिया, आगुन में डाल दिया, पका निकले बिना पानी से, चाहे तो थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा डाल के सुखा देता, पानी नहीं डालने से पूरा चूहा को बर्बाद हो जाएगा, चिंदा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी डाल के बनाता है ऐसा है। चावल को पूरा थोड़ा भिजा के पत्ता में लगा के, दो पत्ता होना चाहिए, पत्ता में गोल के बांध के थोड़ा ढीला से बांध के, मतलब पीछे और आगे को टाइट बांधना है, क्योंकि पानी घुसना नहीं चाहिए, वो चूहा का पानी घुसना नहीं चाहिए, अपना भाप से मतलब पकना है ऐसा है। उसका बम्बू का नाम है मैता, उसी में डुका के चावल डुका के बनाया वही है बस। Owing to their rich knowledge of local vegetation, the Tangsas are experts at using different types of local bamboo and other leaves in their daily living. मांस का चटनी हम लोग पसो सूट बोलता है, घास सूट बोलता है, मच्छी का होने से घास सूट बोलता है। Home brewed rice beer is generally served with food and is the community's go-to beverage. हम लोग अपना फेस्टिवल मू बोल के मनाते हैं, हम लोग हर साल मई महीना में, हम लोग मई मंथ में हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, तो उसमें तो हम लोग अपना न्यू ईयर वहाँ से शुरू करते हैं। वो फेस्टिवल में हम लोग का बहुत सारे डांस है,
तो मेल डांस फीमेल डांस जो लड़का लड़की और ओल्ड एज वाला और ये यंग जनरेशन वाला और तो उसमें वो डांस में दो तरीका के डांस होते हैं, एक फीमेल के एक मेल के। जो लड़का जो मेल जो है वो ड्राम के साथ में डांस करता है, वो ड्राम जो है हम लोग अपने लोकल भाषा में नोंग बोलते हैं, नोंग और बोंग। तो उसी प्रकार से दो डांस होते हैं। वो फेस्टिवल में हम लोग अपना खेती बाड़ी जो भी हो फसल हो अच्छा होने के लिए अपना सोसाइटी को ये अपने गांव को वातावरण को शुद्ध करने के लिए अच्छा होने के लिए फेस्टिवल मनाते हैं। Tangshas follow the Rangfra faith. Hey,